यहाँ नीचे एक कार कवच बना हुआ है। कोई तो हमें बचा लो। कोई तो माफ करना आंटी। ये कोई शक नहीं करी चेक नहीं बीबा जट दिया चले सरदारी लगे जैक। चलिए शुरू करते हैं। वो गोजर सातुरो खुद को बड़ा 30 मार खां समझता है। हाँ समझता होगा, क्यों तुम्हें क्या लगता है वो कोई मामूली इंसान है क्या? है हमारा। तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। तुम आ गए। हाँ चाचा, और तुम्हें ऐसा दूंगा कि कोई बहाना नहीं मार पाओगे। हमें जल्दी जाना होगा। उन्हें डिस्टर्ब मत करो और चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। अरे ठीक है, तुम बात कर सकते हो। सुन लिया क्या? इस तरह से क्या देख रहे हो? अरे तुम तो एक जुजुच्चू। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब होगा ये कि पीछे हट जाओ वरना सब मारे जाओ। अरे बाबा, तुमने तो सच में मुझे हैरान कर दिया। बहाने बनाने लगे। बिल्कुल भी नहीं टकले। मेरा मतलब, मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम इन बेकार साजिशों से मुझे हरा सकते हो। वो मेरे टीचर है इसीलिए वो एक तरह से मेरा ख्याल रखते हैं। बेवकूफ। हाँ वो बेवकूफ है। सैमन, वो सनकी है, घमंडी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो सबसे ताकतवर है। ये कोई शक नहीं करी चेक नहीं बीबा जट दिया चले सरदारी लगे जैक नहीं। गेम ओवर। गोजो, हाँ बड़े दिनों बाद मिले। ख्यालों में खोना ठीक नहीं है गोजो। क्या मैं हार गया? तो बताओ तुम आखिर कौन हो? मैं गेटो सुगुरु हूँ, मुझे भूल गए क्या? मेरा मन इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। तो अब सच सच बता दो कि तुम आखिर कौन हो। अलविदा गोजो सातोरु। मुझे तो कैद कर लिया, पर तुम्हारे आजाद होने का वक्त आ गया है। कब तक यूं ही इस शैतान के गुलाम बने रहोगे गेटो? ओए, अगर मुझे कैद करना है तो जल्दी करो, इस तरह तुम्हारी शक्ल देख देख कर मैं बोर हो रहा हूँ।